मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप? मेरे किचन में आपका तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम। आज हम बनाएंगे दही आलू की तीखी और चटपटी सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू के टुकड़े हम अपने पसंद के अनुसार काट सकते हैं। अब हम 250 ग्राम दही लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हमें आलू को तलना है। मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे और फिर इसमें उबले हुए आलू को डालकर अच्छे से तल लेंगे। आलू को लगातार चलाते हुए अच्छे से तल लेंगे। आलू तलकर तैयार हो चुके हैं। मैंने आलू को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसी पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटकने लगे तो फिर हम इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च अब थोड़ी पकने लगी है। अब हम इसमें 1 स्मॉल साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। सभी चीज़ों को थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें 10 से 12 करी पत्ते, 3 सूखी लाल मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच से कम हींग डाल देंगे। इसको 1 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर और 12 से 15 दाने किशमिश के डाल देंगे। किशमिश डालने से आलू में तीखा, खट्टा, मीठा तीनों का टेस्ट उभर कर आएगा। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें दही, भुनी हुई कस्तूरी मेथी और तले हुए आलू डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। दही आलू की चटपटी और तीखी सब्जी बनकर तैयार है। इसी तरह की आसान और लजीज रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप हमेशा हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। अपना कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।